बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद काशान। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी किचन में बन रहा है रमज़ान स्पेशल में स्ट्रॉबेरी सोडा ड्रिंक। तो ये मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मेरे पास एक कप स्ट्रॉबेरीज हैं, ये मेरे पास फ्रीज़ हुई हुई हैं। फ्रीज़ करने का तरीका ये होता है कि आपको 250 ग्राम में 2 टीस्पून शुगर ऐड करें और इसे आप फ्रीज़ कर दें। तो जो शुगर होगी वो आपकी स्ट्रॉबेरी का कलर भी फ्रेश रखेगी और स्ट्रॉबेरी आपकी गलेगी नहीं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरी है ये, फ्रेश, ये हल्की फ्रीज़ हुई हुई है। मैंने आपको फ्रीज़ करने का तरीका बता दिया, जैसे हमने आपको ऑरेंज जूस फ्रीज़ करने का तरीका बताया था, इस तरह आप स्ट्रॉबेरी को भी फ्रीज़ कर सकते हैं, आजकल सीज़न में है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ एक 1 लेमन है, ये लार्ज साइज़ का है, तो ये मैं हाफ लेमन यूज़ करूँगा। यहाँ मेरे पास 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट है, 1 पिंच मेरे पास यहाँ वाइट सॉल्ट है, और ये मेरे पास यहाँ सोडा वाटर है, यह हमें 1 बॉटल यूज़ करनी है 345 ml की। सो हम ये तमाम चीज़ें ब्लेंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जग में स्ट्रॉबेरीज डाल दूंगा, ये मैंने सारी स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दूंगा, ब्लैक सॉल्ट एंड वाइट सॉल्ट दोनों, ये भी इसमें जा चुके हैं। और अब हम इसके अंदर सोडा वाटर ऐड कर देंगे। इतना इनफ है। अब हम इसके अंदर आइस क्यूब्स भी ऐड कर देंगे और हाफ लेमन जूस भी ऐड कर देंगे, हाफ लेमन का जूस। अब हम इसके अंदर हाफ लेमन का जूस ऐड कर देंगे। हम इसके अंदर लास्ट में आइस क्यूब्स भी ऐड कर देंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो देखें कितनी मज़ेदार सी इजी है ना ड्रिंक। तो आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप लोग स्ट्रॉबेरी को फ्रीज भी कर लें। तो अब ये देखिए हम गिलास में पोर कर देंगे, तो रेडी है हमारा स्ट्रॉबेरी सोडा। तो देखिए ये रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।